नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। अमेरिका का लोकप्रिय वॉशिंगटन स्मारक 2019 तक रहेगा बंद। वॉशिंगटन डीसी के नेशनल मॉल स्थित 170 मीटर टॉवर के एलिवेटर में समस्या के बाद इसे बंद कर दिया गया था। हर साल 5 लाख से ज्यादा पर्यटक पहुँचते हैं वॉशिंगटन स्मारक। दक्षिण पूर्व पेरू में महसूस किए गए भूकंप के झटके, भूकंप में एक की मौत और 17 लोगों के घायल होने की खबर। दर्जनों घर हुए क्षतिग्रस्त। 5.5 तीव्रता के भूकंप से 30 सेकंड तक हिलती रही पेरू की धरती। अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में तालिबान आतंकियों ने लिया अपने साथियों की मौत का बदला। घरों में घुसकर 23 लोगों को मारा। हाल ही में पुलिस ने 29 तालिबानी आतंकियों को उतारा था मौत के घाट। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन के साथ की टेलीफोनिक वार्ता। अमेरिका ने ताइवान के साथ 1979 में राजनयिक संबंध कर लिए थे खत्म। ताइवान को विश्वासघाती प्रांत मानने वाला चीन इस कदम से हो सकता है आक्रोशित। जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर पर प्रतिबंध के मुद्दे पर चीन का रुख नरम। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेंग शुआंग ने दी जानकारी। भारत के प्रयास पर चीन का तकनीकी अवरोध इस महीने हो रहा है खत्म। व्लादिमीर पुतिन को अमेरिका से संबंध दुरुस्त होने की उम्मीद। कहा, हम नहीं चाहते किसी से टकराव, दरार पाटने और आतंकवाद से निपटने की कोशिश में सहयोग की जताई आशा। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।